रीवा जिला शिक्षा विभाग में इस समय हड़कंप की स्थिति निर्मित है। माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान संकाय के शिक्षकों के अचानक स्थानांतरण की खबर से शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। अचानक हो रहे इस परिवर्तन को लेकर आज दूसरी बार विज्ञान संकाय के शिक्षक उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के यहाँ फरियाद करने पहुंचे थे, जहां उप मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा मंत्री से चर्चा की गई है। दरअसल शिक्षा विभाग के द्वारा विज्ञान संकाय के अतिशेष शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन रीवा जिले में इतने पद खाली नहीं है जिससे उन्हें यहाँ रखा जा सके। विज्ञान संकाय के अधिशेष शिक्षकों का कहना है कि इसमें काफी मात्रा में महिला शिक्षिकाएं हैं और लगभग सभी पद सिंगरौली जिले में खाली हैं, जहां उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसे में अचानक वह अपने परिवार एवं बच्चों के साथ कैसे पहुंच सकते हैं, इस बात को लेकर अतिशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा उप मुख्यमंत्री के निवास पर आज दूसरी बार चर्चा की गई, जहां जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि शिक्षा मंत्री से इस संबंध में चर्चा की गई है और अप्रैल माह तक के लिए यह आदेश टाला जा सकता है। हालांकि अतिशेष शिक्षकों का यह भी कहना है कि इस सत्र में उनका स्थानांतरण न किया जाए। कहना है शिक्षा विभाग का कि जहां शिक्षक नहीं है वहां हमें भेजा जा रहा, तो जब हम यहां आए थे जिले में तब तो यहां जगह थी, इसके बाद जगह होने पर ही हम आए हैं यहां, चाहे हम भाई हो चाहे बहन हो, सारे लोग विज्ञान के शिक्षक की आज ऐसी दुर्गति कर दी है प्रशासन ने कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। माध्यमिक विभाग में जो पोस्टेड थी महिला खासकर विज्ञान की, उनको यहाँ से जिले से बाहर भेजने को मजबूर किया जा रहा है कि आप चॉइस फिलिंग करें। बहुत सारी जो हमारे साथी हैं उन्होंने की भी, जो हम लोग नहीं जानते हैं कि कितनी दूरी पर है स्कूल, कहाँ पर है, और चॉइस फिलिंग करें। फिर इसके बाद ये हुआ कि मंत्री जी से हम लोग मिले तो आश्वासन मिला कि वो बात करेंगे CPI से, PS से बात करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकलेगा जिसके हिसाब से हम लोगों को कुछ दिनों के लिए यहाँ मिलेगा, फिर जैसी सुविधा होगी वैसी व्यवस्था होगी। पर आज ये स्थिति है कि आज हमारी काउंसलिंग कल है फिर से, और उसमें भी ये कहा गया है कि यदि आप लोग चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपका वेतन आगामी माह का रोका जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि अभी तो फिलहाल काउंसलिंग बिल्कुल रोक दी जाए, और इसके बाद कोई रास्ता निकालें तो जिले ब्लॉक जो जहाँ का है उसको वहीं पोस्टिंग दे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नहीं आए थे। हमारी भर्ती प्रशासन ने की थी 2001 में, 2003 में, 2006 में, 2007 में, 2009 में, 2011 में, उसके बाद जब जगह थी तब आए हैं। और उसके बावजूद एक मैटर ये भी है कि आपने हमको भेजा NOC देकर कि जगह यहाँ है, हम लोग आए, और उसके बावजूद क्या किया गया कि पीछे से दूसरे शिक्षक को भेज दिया जाता है, तो हम अतिशेष हो जाते हैं। और जबकि ये होना चाहिए नियम कि जो बाद में आया है वो अतिशेष हो, क्योंकि कि हम लोग तो जगह पे आए थे, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हम पद पे आए थे। आज जो शिक्षक अगला आ रहा है वो पद के विरुद्ध आ रहा है, तो उसे आप बाहर निकालिए और हमें वहीं स्टे दीजिए, उसी स्कूल में स्टे दीजिए। उन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही कराई जाए, जो जिन्होंने हमारे पद पर भेजा है जिन नए शिक्षकों को, नए कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे जहाँ से भी आ रही है पोस्ट, यदि उनको नहीं पता है कि यहाँ कोई नहीं है तब आप भेजो ना, जब उस विद्यालय में ऑलरेडी पोस्टेड है तो आप भेज रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है और पूरा अमला जिम्मेदार है, ना कि हम निरीह शिक्षक। काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होगी, 1-5 तक सर हम लोग की काउंसलिंग स्थगित की जाए, बस सभी लोग बस यही है, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करें हम लोगों के साथ और हम लोगों की बातें प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे हम लोगों को कुछ राहत महसूस हो सके, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं मानसिक रूप से, शारीरिक। मेरा नाम अर्चना सिंह है। ये मामला ये है कि जो ये अनावश्यक रूप से हम सब पे थोपा जा रहा है अतिशेष विज्ञान शिक्षकों की काउंसलिंग, ना ही हमको समय दिया जा रहा है और ना ही ये बताया जा रहा है कि आपको कौन सा पद लेना। सीधे अभी जो काउंसलिंग हुई थी उसमें ये था कि सिर्फ और सिर्फ सिंगरौली की पदे थी और हम लोग को संभाग में कहीं भी भेज सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है कि हमको कौन सा पद लेना। अगर नहीं भी जाते तो मना अनावश्यक रूप से कोई भी पद वो हमारे स्थान को हमको दे सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी तक जो उच्च माध्यमिक शिक्षक रिक्त हुए हैं, जिनकी काउंसलिंग हुई है, जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर ली है, वो पद रिक्त ही नहीं दिखाए जा रहे हैं। पोर्टल अपडेट कर ले पहले, कुछ रिटायर भी हो गए हैं उनका भी पद नहीं दिखाया जा रहा है, माध्यमिक का ही बता रहे हैं और उच्च माध्यमिक का भी बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो CAC BSE है वो पद भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, जिससे हम सभी बहनों को और भाइयों को
सुविधाएं मिल सके कि हम भी इसी जिले में रहकर और सही पद ग्रहण कर सके और हमको अनावश्यक रूप से यहाँ रीवा जिले से कहीं ना भेजा जाए। यही चाहते हैं कि ये काउंसलिंग रुके रुके रुके, विज्ञान विषय के हैं जी बिल्कुल, और हमको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जा रहा है कि रोका जाए समझा जाए। अभी हम लोग 29 तारीख को ही यहाँ भी निवास में भी मिले हैं और आज के राजनिवास में भी कलेक्टर मैडम से और सर से संबोधन किए, लेकिन उसका कोई भी अंतर माने इनका नहीं सुना गया, इनका नहीं सुना गया कि एक इन बहनों को थोड़ा समय दिया जाए, इनका नहीं सुना गया। दो दिन के अंदर अंदर ही फिर से काउंसलिंग की, हमारे लिए फिर से हमारे सर पे तलवार डाले, नहीं आप काउंसलिंग में उपस्थित हुए, वेतन रोका जाएगा और मन चाहा आपको जगह भेजा जाएगा जहां वो चाहेंगे, प्रशासनिक रूप से हमको भेज दिया जाएगा। जी हम लोग देखा जाएंगे, बात करेंगे, हो सकता है आपका 31 मार्च तक रुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन दो दिन में ही उन्होंने काउंसलिंग के आदेश दे दिए। नहीं सर, आश्वासन दिया गया कि जिला के बाहर भी नहीं भेजेंगे, अभी 29 को रोका जाएगा काउंसलिंग, अभी 29 को ही हम सब मिले हैं उनसे और कल ही हमारी फिर से काउंसलिंग की डेट निश्चित। तो ये कहा जा रहा है कि सीधे आप बिल्कुल काउंसलिंग मत करवाइए, बच्चों की पढ़ाई है, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, सब एजेड हैं, ये कैसे सरवाइव करेंगे, कौन इनकी भाई सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा, खाना पीना बच्चों को कौन, और जिनकी बच्ची है वो क्या करेंगी, जिनके लड़के हैं वो क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी उस दिन मैंने देखा एक एक जो महिला शिक्षक विज्ञान की, उनका 2 साल का बच्चा था, वो बेचारी दूध पिला रही थी, वो कैसे सरवाइव करके बाहर जाएगी। मेरे यहाँ ससुर हैं, वो भी एजेड है, उनको खाना देना, मेरी एकलौती बच्ची है उसके, वो कैसे सरवाइव करी, कुछ के ऐसे पति हैं जो बेचारे बीमार रहते हैं, उनको भी बाहर रहते हैं। सर इसका मैं कोई भी बोलिए ना, कोई भी स्पष्ट हमको नहीं बता रहा है कि वो क्यों ऐसा करते हैं। उनको थोड़ा समय देना चाहिए था, काउंसलिंग के लिए भी समय देना चाहिए था उनको, वो कोई स्पष्ट बातें नहीं करी। अगर कहते तो ये आदेश जो हम इनसे मिले थे उस आदेश के पहले कुछ तो निकालते हैं क्या, तो सर शिक्षकों की कमी थी। आज आइए आइए, ये हमारी जो इतनी बहने हैं ये हमारे रीवा जिले में विज्ञान शिक्षक की माध्यमिक शिक्षक है, ये SS2 में विज्ञान विषय की है। विज्ञान विषय में जिले में जगह नहीं है, पद रिक्त नहीं है, इस कारण ये अतिशेष हो गई है। संभाग में भी जगह नहीं है, सिर्फ सिगरौली में जगह है। और इन सबकी मांग थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, उपमुख्यमंत्री महोदय से, कि हम लोगों के मिड टर्म चल रहे हैं और बच्चे की परीक्षा प्रभावित होंगी, तो मार्च तक ये काउंसलिंग रोक दी जाए। और भैया ने इनके मांग पर आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बात करके बताते हैं, अब देखिए उसका क्या रिजल्ट आता है। नहीं ऐसा नहीं है, शिक्षा विभाग में ये नियम है कि माध्यमिक शाला में 3 टीचर होंगे, हर माध्यमिक शाला में पहला गणित का होगा, दूसरा अंग्रेजी का होगा और तीसरा सामाजिक विज्ञान का होगा। इसके बाद संख्या जब बढ़ेगी 105 के ऊपर जाएगी तो संस्कृत का होगा, 140 के ऊपर जाएगी तो विज्ञान का पद होगा, विज्ञान का 5वां पद हो गया है और इन संख्या है नहीं उतनी, इस कारण विज्ञान का पद नहीं बन रहा है, इस कारण ये अतिशेष हो रहे हैं। अब कल शासन की ओर से तो कल काउंसलिंग के लिए आदेश आ गया है, उसी के संदर्भ में आए थे ये लोग, भैया ने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से बात की है, अब देखिए उसमें क्या निर्णय होता है, ये तो नीतिगत निर्णय है,